कैसे हो आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं आप बहुत कैसे बहुत हैं? बड़ी आप शायद इस बार दिवाली में आए थे घर? हाँ जी, आप बुरी दिवाली पे घर, बुरी दिवाली पे घर आए थे। कैसा लग रहा है? मतलब तो सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस बार यहाँ था नहीं। एक्चुअल मेरा कुछ घर में प्रॉब्लम चली हुई है, उस वजह से मैं बाहर था। अच्छा, ओके ओके। तो बाकी आपने देखा क्या माहौल था यहाँ इस बार? एंजॉय बहुत किया, मैं वीडियो देख रहा था आप लोगों की सारी, बहुत एंजॉय किया था मैंने। न्यूज़ भी देखी थी, आकाशगंगा टाइम्स पे लगी थी, तो आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया देख के। और फीलिंग आ रही थी यार, मैं भी शायद अगर वहाँ होता तो मैं भी मज़े करता, लेकिन दिखते नहीं यार आजकल। मतलब पता नहीं आजकल सर कुछ था, जो वो स्पार्क थी वो मतलब अब रही नहीं यार। मतलब कहाँ रहते सर, उम्र का तकाजा है। मतलब वो कहाँ नूर और कहाँ चमक, वो कहाँ रहती है सर, बुढ़ापा आ गया है। अच्छा चलो कोई नहीं, ये बात तो होती रहेगी। आप मुद्दे पे आते हैं। ओके ओके, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बहुत कुछ कहना चाहूँ लेकिन ऐसा बहुत इंडिविजुअल ना आप होए, जो ग्रुप की वो आप बाहर ना ले जाएं। चाचू आइए ना इधर, आप थोड़ा सा आपसे बात वार्तालाप कर लेते हैं। ग्रुप की बातों को आप बाहर ना ले जाएं, इसलिए वो हमारा इंडिविजुअल गांव का एक ग्रुप है, उसमें हम कुछ भी मतलब मुद्दे पे बहस कर सकते हैं, लेकिन उसको आप जग जाहिर ना करें। तो उसे आप नहीं नहीं नहीं, जो ये देखो दो मुद्दे तो पता नहीं किसके क्या क्या मुद्दे जी। तो चाचू ये जो लहर आई थी अभी चुनाव की, उसके बारे में ना बात करते हुए ज्यादा, तो अब बात करते हैं गांव की या फिर अपने पर्सनल मुद्दों की। तो कुछ कहना चाहेंगे आपकी गांव में क्या माहौल चल रहा है आजकल, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूं देखो, तो मुझे इतना पता नहीं रहता है। कोई सूचनाएं देना चाहेंगे आप, क्या कुछ चल रहा है गांव में वो बताना चाहेंगे? गांव में इस टाइम सर एक तो बहुत पॉजिटिव ये है कि हमारा जो यंगस्टर्स है, जो युवा क्लब है, वो काफ़ी एक्टिव है। ओके, जिसकी वजह से जो हमारे काम है सारे वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। ओके, जैसे मान लो पीछे काम पेंडिंग बहुत पड़े हुए थे, का काम था जैसे बहुत सारे मुद्दे थे, इन चीजों पे लड़कों ने इनिशिएट लिया है, बहुत अच्छा काम किया है। ओके, सब लड़कों ने, जो गांव में कभी देखने को नहीं मिला, जो एकता यूनिटी जो होती थी वो अब मिल रही है सर। Right. पहले कभी नहीं देखी गई ना, मतलब मैंने हमने देखी कभी ना देखी जा सकती शायद आगे, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप देना चाहो, आप बताना चाहो कि एजुकेशन का फर्क पड़ रहा है कि यूनिटी हमारे जो यंगस्टर है इतना एक्टिव है? एजुकेशन तो इस पे मैटर करती करती है। राइट, बिल्कुल, ये तो पहला तो पॉइंट यही है, एजुकेशन करती है। राइट, लेकिन जो एक घुलना मिलना आपस में, पहले क्या होता था मतलब दूरियां ज्यादा होती थी, पढ़े लिखे कम होते थे बुजुर्गों में, जैसे एक हमारे यहाँ भेड़ावाद बोलते हैं, जैसे हमारा लगा वो भेड़ावाद ज्यादा होता था, लेकिन जब अब क्या है कि बच्चे देखो, जैसे हमारे चार भेड़े हमारे गांव में, तो उसमें क्या है कि आजकल दोस्ती मतलब अंदर तक है, जैसे बेड़े में नहीं है। अब देखना हमारी दोस्ती मेरे अलग बेड़े में, आपकी दोस्ती अलग बेड़े में, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बेड़े में, जबकि आज की डेट में ऐसा था अपने बेड़े में कम दोस्ती है, अगले बेड़े में ज्यादा दोस्ती। तो इसका ये भी कारण है, ये भी कारण है। और कहीं ना कहीं हमारे जो यंगस्टर है, तो मतलब उनकी सोच अब बदल चुकी है, वो सोच नहीं रही, क्योंकि बाहर पढ़ते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। ये 2010 11 12 के बाद जो लोगों ने बाहर जाना शुरू किया है ना, मेरी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं सर मैं 2007 में बाहर चला गया। ओहो हो, ओके, ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहा हूँ मैं, नहीं 2010 11 में मैं गया हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। 10 11 में मेरी 11वीं 12वीं है ना, नान से मेरा कहने का मतलब है, जो 2011 2012 के बाद मैक्सिमम बाहर गए, वो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोग बाहर गए हैं। देखो पहले क्या होता था, हम स्टडी यही करते गांव में, नहीं करते है ना, गांव में हमारा ये स्कूल होता था, स्कूल होता था। देखो आप नहान से पढ़े जी, है ना, मैंने नहीं, मैं ये बोलूंगा कि हमारे एडमिशन लिया उसके, हमारे बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने पॉइंट एडमिशन लिया है ना। तो मेरा कहने का मतलब है 2011-12 के बाद जो लोग बाहर गए ना, उससे भी जो घुलना मिलना लोगों में आया है, और एक बाहर जाके जो लोगों को पता चला है रहन सहन का कैसे रहना है, और लोगों ने बाहर जाके देखा है कि हम गांव के लिए क्या क्या कर सकते हैं एकत्रित होकर, यूनिटी। ये देखिए हमारी शाकुली, बूढ़ी दिवाली की हमारी शाकुली जी। तो दोस्तों ये वार्तालाप जो हो रहा है हमारा बूढ़ी दिवाली पे, जो मोहकमा होता है, मोहकमा घूमता है, तो मोहकमे में हम बैठे हुए हैं, हमारी जो गांव की लोकल शॉप है वहां पे हम बैठे हुए हैं और हम शाकुली खा रहे हैं बैठे हुए हैं। तो चाचू जी वाह है, मजा आ गया, प्रवेश तो मजा, मेरे जेब में भी है। हाँ जी हाँ जी, गांव की गलियां, हाँ जी हाँ जी, बहुत जरूरी है जी जी। बिल्कुल, मेरी अभी बात हुई थी प्रधान जी से। ओके, इसी पे मैं करेक्टर सर्टिफिकेट लेने गया था मोदी जी का। ओके,
तो मैंने बोला प्रधान जी को कि ऐसा है, ऐसा है, मतलब इंडिविजुअल काम तो नहीं हो सकते गांव में सब लोगों के, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जैसे गांव की गलियां इसमें सामूहिक, इसमें आप इंटरलॉकिंग करवा दो पूरे गांव में जी, तो उसमें क्या है आप मेन गलियां है ना, तो उसमें है उसमें आपके ऊपर एक व्यक्तिगत तौर पर लांछन नहीं लगता, व्यक्तिगत तौर पे आपके ऊपर लाछन नहीं लगता कि इन्होंने अपने काम किए या किसी लोकल बड़ी काम किए, मतलब उसमें क्या ना सामूहिक काम होगा तो लोग देखेंगे यार नहीं काम अच्छा हुआ है, जैसे हमारा लाइब्रेरी, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पर्सनल काम है उनको क्या नाम थोड़ा सा साइड में रख के हम बात करेंगे हमारे जो क्या नाम जो सामूहिक काम है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि दिखे कि विकास हुआ है हमारे गाँव का। आज की डेट में क्या चल रहा है कि ज्यादा प्रेफरेंस लोग इंडिविजुअल काम को देते हैं, वो बात मैं गलत बोलूंगा क्योंकि लास्ट टाइम लास्ट जो पंचवर्षीय में हमारे जो दूसरे प्रधान थे तो उस पंचवर्षीय में मैंने जब आरटीआई लगाई थी तो उसमें मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली कि मतलब 80% जो है पर्सनल काम हुए थे, उसके बाद 20% जो है दूसरे सामूहिक काम हुए थे जिसमें कि दिख नहीं रहा था कि क्या काम हुआ है वैसे, सो वो एक क्वेश्चन आ जाता है एक किसी प्रधान के लिए। ठीक है, एक्चुअल क्या होता है ना, अब कुछ लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं गांव में ना, कुछ लोग एक्टिव होते हैं तो अपने काम करवा लेते हैं, कुछ लोग बेचारे हमारे भोले होते हैं गांव में, मैक्सिमम लोग भोले होते हैं, 5-10 ही लोग हैं जो एक्टिव हैं जिनको नॉलेज है, अब कुछ लड़के ऐसे आए हैं जो तो उस चीज के लिए हमारे जो सेक्रेटरी है जो हमारे प्रधान जी है उनको सोचना चाहिए उस चीज के बारे में, राइट। कुछ भी बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अगर इसमें कहना चाहें कुछ तो इसमें करप्शन बहुत है, इसलिए हम इस पे इसको आप छोड़ो, इस मुद्दे को आप चलो ठीक है ठीक है, ये मानते हैं कि अगर हमें क्या करना चाहिए, विकास करना है हमने गांव में, विकास के लिए क्या है सर, जैसे मैं इसके लिए मैं मिस्टर लली तोमर को भी क्या नाम बिठाना चाहूंगा, उनसे भी मैं मिलना चाहूंगा क्योंकि वो काफी एक्टिव है इस टाइम पे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमारे टीसीएस के क्या नाम अच्छे एम्प्लॉई हैं, तो उनके साथ में इसके लिए वार्तालाप करना चाहूंगा अगर मेरे को मिलते हैं वो, तो बताइए आप फिर। ललित तोमर का बहुत ज्यादा योगदान है क्योंकि पहले युवा एकत्रित नहीं था हाँ। मतलब जब से वो जब से उन्होंने जोड़ना बंदों को जोड़ना शुरू किया, ये हमारे जो डिजिटल जो इंडिया है तो उसका उसने सबसे अच्छा फायदा उठाया, उसने बंदों को एकत्रित भी किया और जो नॉलेज उसको है मतलब पंचायत के बारे में, अपने ब्लॉक के बारे में, किसी भी काम के बारे में वो ग्रुप में भी शेयर करता है, लोगों को भी जागरूक करता है, बताता है कि उसके पास। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ तो मतलब मुझे यहाँ तक इतना पता रहता है कि कितने सीमेंट के कट्टे आए, क्या क्या हुआ, तो मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ग्रुप में मिल जाती है, वैसे मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं करता, यहाँ पे कुछ बोलता नहीं हूँ वहाँ पे ग्रुप में, लेकिन मुझे जब मैं फ्री होता हूँ, मैं जब सोया होता हूँ तो मैं उस टाइम ग्रुप जरूर देखता हूँ बाकी गाँव में चल क्या रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है। ऐसा होता है ना सर, देखो काम जब भी होते हैं तो उसमें ऐसा है थोड़ा पता ही है आपको, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी रहता है काम में, अब मान लो आप 100% कौन पैसा लगाता है, ठीक है ना, मान लो अगर आपके पास बजट है 1,00,000 का, आपको 1,00,000 का बजट आया, अगर आप 70,000 भी लगा रहे हैं ना, 80,000 भी, उसमें भी बहुत अच्छा काम दिख जाता बहुत है, बहुत ज्यादा अच्छा काम दिख जाता है। अगर तो आप 30-40,000 लगा के मान लो 60% पैसा खा रहे हैं, 40% पैसा लगा रहे हैं, फिर उसमें कहाँ विकास हुआ सर, मेरा मानना है कि अगर 70% आप लगा रहे हैं ना, नहीं यहाँ पे जो क्लैरिटी दिखती है ना बराबर दिखता है 70% अगर पैसा आप लगा रहे हैं, जो अभी यहाँ पे काम जितने हो रहे हैं ना उसमें क्लैरिटी ये है कि कुछ भी कितना भी पैसा आता है ना, जैसे हमने फंड वो किया कि सबसे हम ले रहे थे कि 1,000-1,500 जो भी नौकरियां करते हैं उनसे हम ले रहे थे, हम लोग दे भी रहे थे बंदे गाँव के, राइट, जितना भी फंड इकट्ठा हुआ तो उसमें भी पूरी क्लैरिटी थी कि इतना इतना आया है और इतना इतना लग चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि ये क्लैरिटी जो है उसमें हाँ, भी हो, हमारे जो पंचायत वाले उसमें भी, राइट, मैं समझ गया सर आपका क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, लेकिन ये क्लैरिटी वहाँ हो ही नहीं सकती कभी भी, देखिए तो वो क्लैरिटी अगर हमारे उसमें क्या होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो जैसे सामूहिक काम होते हैं, मान लो कुछ मेरा काम ऐसा सामूहिक काम है समझो, ठीक है, उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं हो सकता है, कुछ काम ऐसे होते हैं पंचायत में जिसमें प्रावधान नहीं होता, तो वो पैसा वहां से निकाल के वहां लगाना पड़ता, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम जाके उनको कोसें, कुछ ऐसा अपने घर को कोई भी नहीं ले गया, हाँ लेकिन जो कुछ गलत काम होते हैं वो ना करें कोई भी, ठीक है ना जी। तो मैं गाँव वालों के लिए मैं यही सजेशन करूंगा या यही मैसेज दूंगा कि कोई भी ऐसी चीज होती है मतलब आप भी उस चीज को रोकिए कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको आप भी रोकिए। बाकी ऐसा है आगे भी प्रधान जी के लिए ऐसा है जैसे गांव में इंडिविजुअल को थोड़ा विराम देके आप सामूहिक पे ज्यादा जोर दें, उस पे आपके ऊपर व्यक्तिगत तौर पे लांछन नहीं लगेंगे और एक गांव का जो विकास है वो दिखेगा। एक मेरी समस्या ये मैं काफी दिन से दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ, एक ये जो लाइट जो स्ट्रीट लाइट लगी है ये मैं चाहता हूँ कि जैसे रेस्ट हाउस से 2-3 लाइट और यहाँ
बस स्टैंड रोड पे भी ये भी लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ एक जो टेबल लगे बैठने के लिए वो कुछ यहाँ इस रोड पे और लगने चाहिए। मैंने डिस्कस भी किया था और श्योरिटी भी दी है प्रधान जी ने, ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला है अगर जब जैसे नेक्स्ट अपना लॉट आता है, लाइट्स का आता है या अपना टेबल का आता है उसका बैठने के लिए, तो हम चेयर्स का आता है तो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चाचू यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ये मुद्दे की ज्यादा बात ना करते हुए मैं थोड़ा सा और बात करूंगा आपसे कि ये जो बूढ़ी दिवाली आसन में पूरे मूड में हूँ आज, कोई भी मुद्दा खोल दो आप। आज जो चाचू ये जो बूढ़ी दिवाली हमारा बहुत बड़ा त्योहार है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, बूढ़ी दिवाली क्यों मनाते हैं और हमारे, क्योंकि दिवाली एक महीना पहले चली गई है, हमारे यहाँ पहाड़ में बूढ़ी दिवाली मनाई जा रही है। सर देखो हमारी परंपराएं हैं, बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही है, इतनी हमें भी जानकारी नहीं है, हम क्यों थोपें किसी के ऊपर जो जानकारी नहीं है उसको ना बताते हुए। लेकिन इतना है जो हमारे बुजुर्गों ने परंपराएं बनाई है उसको हम निभाते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, जो जैसे नई दिवाली आती है उसके एक महीने बाद हमारी आती है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, क्योंकि हमें सर मौका नहीं मिला और ना ही इतना टाइम मिला है कि हम जैसे गांव में बुजुर्ग है ना जिनको सारा, उनके पास हमें बैठने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि जिंदगी में सब लोग बिजी हैं, फैमिली है, सब कुछ है। लेकिन ये परंपराएं हैं, ये जो हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई परंपराएं हैं उसको हम निभा रहे हैं, और ये जो होता है ना पीढ़ी पीढ़ा चला रहता है, हम इसको निभाएंगे। तो ज्योति है जैसे मान लो अपने घर में ही ले लो, प्रॉपर्टी होती है अपनी, जो अपने बुजुर्गों की पुरखों की बनाई होती है उसको हम और लंबा ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी परंपरा है जिसको हम और लंबा ले जाना चाहते हैं जी। हाँ, इस पे एक बात जरूरी है कहना कि इस पे चर्चा एक दिन जरूर होनी चाहिए कि किस तरह से शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी। जितना मुझे पता है, तो जहां तक मुझे पता है कि जो जी मैं अपना ओपिनियन दूंगा और जो मैंने सुना है, जो माना जाता है हमारे जो बूढ़ी दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो दोस्तों बूढ़ी दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि श्री राम जी जो आए थे अयोध्या आए थे, तो एक महीने पहले वो वहाँ अयोध्या पहुंच चुके थे, लेकिन गांव में दूर दराज उस टाइम टेलीफोन तो होते नहीं थे, कुछ भी नहीं होता था, राइट। तो राम जी जो है एक महीने बाद जो है पहाड़ों में दूर दराजों में पता लगा कि राम जी आ चुके हैं वापस, तो वो स्मरण करने के लिए गए, पूरे एरिया में गए, तो पहाड़ों में जब पता लगा उनको तो तब जाके एक महीने बाद वो वहाँ पहुंचे, तब ये बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। सर ये वाला तो मेरे को पता है जो आपने बताया, तो मैं यही पूछ रहा था आपसे, लेकिन मतलब इस पे भी कंफर्मेशन नहीं है ना सर। कंफर्मेशन तो खैर नहीं, लेकिन माना जाता है कि बूढ़ी दिवाली हम एक महीने बाद तभी मनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल माना जाता। सो दोस्तों आज का मुद्दा हम और चर्चा हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, चर्चा को विराम देते हैं, चर्चा को थोड़ा विराम, नेक्स्ट मुद्दे पे चर्चा हम जल्दी लेकर जल्दी। हाँ जी, तो बहुत सारे सवाल हैं जो अभी क्या नाम हम नहीं यहाँ पे नहीं पूछे, क्योंकि खाना खाने बुला रहे हैं मुझे, 8 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या नाम ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम कल शायद अगर दोबारा से मिले या फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक मिले तो चर्चा जरूर करेंगे, एक नया मुद्दा लेकर जरूर आएंगे जी, वीडियो बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनवीर चाचू जी, अगले जो इन्होंने क्वेश्चन किए थे इनको क्वेश्चन इनके पास है, इन क्वेश्चन पे चर्चा की जाएगी अगले वीडियो पूरा मुद्दा इनको भी साथ में लेके हम पूरी बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचू जी आपका, आपने हमसे वार्तालाप किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समझा जो आज, अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज, राम राम जी।